नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट अकेडमी। मैं हूं सौरभ ठाकुर, स्वागत आप सभी का हमारे गेट के ईसी, गेट के 2019 के ईसी के फोरम सेशन के पेपर के डिस्कशन में। राइट, चलिए स्टेट में स्टार्ट करते हैं। पांच क्वेश्चन आए थे क्वांट से, पांच क्वेश्चन आए थे वर्बल। जो ईजी है उसमें ईजी बता दूंगा, मॉडरेट मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तो फिर मैं आपको बता दूंगा डिफिकल्ट है। देखिएगा एक बार। वैसे मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है, जरूरी नहीं आपको सही लगे। गेट में जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ पेपर होता है एप्टीट्यूड में ईसी का। तो अगर आप ईसी के स्टूडेंट हैं, आप नेक्स्ट ईयर गेट का पेपर देंगे तो थोड़ा सा आप एक लेवल हाई प्रिपेयर करेंगे। बहुत टफ नहीं, लेकिन जरा सा स्लाइटली, ठीक है। चलिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे वीडियोज आप लोगों के लिए बनाया, जो सबसे पहला वीडियो बनाया था आप देखिएगा गेट अकेडमी के चैनल में होगा। जब मैं लास्ट टाइम देखा था तो 70,000 कुछ व्यूज थे, हो सकता आप भी देखें, आपको अच्छा भी लगा हो, नहीं भी अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखिएगा। उसमें मैंने बहुत स्क्रैच से फिलिंग बताया। फिलिंग का एक क्वेश्चन इसमें आया था, फिलिंग का ही क्वेश्चन डबल ई ब्रांच में आया था। ये फोरनून सेशन है, वो आफ्टरनून में आया था। तो ठीक है, टॉपिक अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो टॉपिक लिख दीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आप गेट के बच्चे जो अगले साल देंगे, लिख दीजिए जी टॉपिक। यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, आप देख लीजिए। पांच अलग अलग किताबें हैं, इनको अरेंज करना है। पहले प्लेस पे आर को अरेंज करना हटा दो, दूसरे प्लेस पे एस को अरेंज करना हटा दो। तीन प्लेसेस, तीन अल्फाबेट्स, तीन किताबें, एक ही बात है। तो यहाँ पे तीन प्लेसेस, तीन दिस, थ्री फैक्टोरियल, मतलब सिक्स आंसर आ गया। अगर आप ऐसे फिल करके देखना चाहें तो पी आ सकता है, क्यू आ सकता है, टी, फिलिंग के तरीके तीन। यहाँ पे आ सकता है पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे टी, जो भी इधर आ गया वो नहीं आएगा। फिलिंग के तरीके टू, इधर पी क्यू टी, जो यहाँ पे आ चुका वो नहीं आएगा, जो इधर आ चुका वो भी नहीं आएगा। फिलिंग के तरीके दस। आपको तीनों किताबों को अरेंज करना है, इसे, इसे भी एंड इसे भी। इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भाई, थ्री फैक्टोरियल। तो मेरे हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस क्वेश्चन का था इजी, ठीक बात है भाई। चलिए,